हमारा जो लो है वो दो तरीके से क्लासिफाइड है, या तो वो सब्सटेंटिव लो होगा या फिर वो प्रोसीजरल होगा। हाय गाइस, दिस इज मी विशाल सिंह एंड यू आर वाचिंग मी एट द रेट ऑफ विशालोग्राफी। हम जो लो पढ़ते हैं फर्स्ट ईयर से लेके फिफ्थ ईयर तक, जिसके अंदर 10 सेमेस्टर का एग्जाम देते हैं, 10 सेमेस्टर्स होते हैं, ये सारे के सारे हम जो बुक्स पढ़ते हैं इनके बीच में, वो सारे में दो चीजों में डिवाइड हो सकती है, या वो सब्सटेंटिव लो होगा या वो प्रोसीजरल होगा। अब ये क्वेश्चन ये आता है, ये दोनों है क्या? तो जो सब्सटेंटिव लो होता है ये बताता है आपके राइट्स क्या क्या है, और उनको कोई वायलेट करता है तो आप रेमेडीज कौन कौन से ले सकते हो। ठीक है, कोई ऑफेंस हुआ, कोई क्राइम हुआ, तो पहले तो उस ऑफेंस का नाम क्या है, हमारे बुक में उसका नाम क्या है, ऐसे क्राइम्स को क्या कहते हैं, उस क्राइम्स की पनिशमेंट क्या है, ये सारा इस बुक में दिया होता है सब्सटेंटिव में। सब्सटेंटिव लॉ में ये डिफाइन किया होता है। अब प्रोसीजर लॉ बताते हैं कि आप ये कैसे फोर्स करवा सकते हो, जो सब्सटेंटिव लॉ है उनको आप कैसे कोर्ट में पेश करोगे। फॉर एग्जांपल, पहले आप कंप्लेंट एफआईआर होगी, फिर वो होगा, फिर कौन से कोर्ट में जाएगा, ड्राफ्ट कैसे, ये सारी चीजें प्रोसीजर बताता है। तो सब्सटेंटिव लॉ को कैसे कोर्ट के अंदर रिप्रेजेंट करना है, कौन से कोर्ट में रिप्रेजेंट करना है, सारा प्रोसीजर होता है वो प्रोसीजर लॉ बताता है। अब जो हमारे सामने, जैसे अब प्रोसीजर लॉ का एक एग्जांपल बताता हूं मैं, सीआरपीसी नाम से ही अगर आप देखोगे, क्रिमिनल प्रोसीजर कोर्ट, प्रोसीजर बताते हैं कि कोई क्रिमिनल क्राइम हुआ है तो वो उसका प्रोसीजर क्या होगा, कोर्ट तक रीच करने का उसका प्रोसीजर क्या होगा। इसके अंदर एविडेंस भी बताते हैं कि कैसे एविडेंस, वहां पे इंडियन एविडेंस एक्ट भी प्रोसीजर में आ जाता है। और इसके अंदर सिविल प्रोसीजर कोर्ट, तो सिविल केस में प्रोसीजर क्या होगा कैसे, तो ये सारा प्रोसीजर डिफाइन करता है प्रोसीजरल लॉ। और वहीं पर सब्सटेंटिव लॉ बताता है कि इस ऑफेंस को क्या कहते हैं और इसकी रेमेडीज क्या है, इसकी पनिशमेंट क्या है, ये सब बताता है सब्सटेंटिव लॉ। अब उम्मीद करता हूं आपको समझ में आएगा, चलिए एक एग्जांपल से समझते हैं। सबसे पहले सपोज कीजिए मेरे दोस्त है मार्चू, उसने किसी का मर्डर, उसने किसी के साथ गलत किया, ऑफेंस किया। अब उस ऑफेंस को क्या कहते हैं, ये हमारा सब्सटेंटिव लॉ बताएगा कि वो कौन सा क्राइम में आता है। ठीक है, सिविल क्रिमिनल, और अगर सिविल क्रिमिनल में से वो आता है तो अगर उसने खून कर दिया, वो मर गया, तो वो आएगा मर्डर में या होमिसाइड में, कल्पेबल होमिसाइड, ये दोनों ये सब्सटेंटिव लॉ बताता है। और फिर इनकी पनिशमेंट भी बताता है, तो ये सारा हमारा बताता है सब्सटेंटिव लॉ। और जो प्रोसीजर लॉ ये बताएगा कि अब आगे आपको एफआईआर करनी है, फिर वहां से फिर विद इन 24 आपको मजिस्ट्रेट के सामने जाना है, फिर आगे प्रोसीजर होगा, कौन से कोर्ट में होगा, कितने दिन के अंदर होगा, ये सारा प्रोसीजर बताता है। ये भी बताता है कि कैसे कैसे एविडेंस आप रिप्रेजेंट कर सकते हो, ये सारी चीजें प्रोसीजर लॉ बताता है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये छोटा सा था समझ में आएगा। और कोई क्वेश्चन अगर आप चाहते हो कि हम किसी लो सब्जेक्ट पे बनाए किसी भी, वो हमें बता देना, हम लेके आ जाएंगे विद इन 9 सेकंड्स। जय हिंद, जय भारत। और हम हर दिन कोशिश कर रहे हैं ज्यादा वीडियो डालने के लिए कि सिलेबस सारा कवर हो सके। जय हिंद, दिस इज मी विशाल सिंह, शाइनिंग ऑफ।